यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार अलीगढ़ आई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों को बीजेपी के सदस्यता अभियान की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ जनपद सहित पूरे प्रदेश में 1 से 11 अगस्त तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश में 30,000 विस्तारक नियुक्त किए गए हैं जो सदस्यता अभियान में नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलानी होगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा और संरक्षण देने वालों को भी कानून के दायरे में लिया जाएगा, जिससे देश में आतंकवाद का खात्मा किया जा सके। वहीं उन्होंने केंद्रीय उज्ज्वला योजना, आयुष्मान और गरीब आवास योजना को जनकल्याणकारी योजना बताते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, विनय माथुर, अलीगढ़। से मेरठ से जो मेन रास्ता है जहाँ पर मीट मांस और शराब की ठेका बंद 100% और इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला देश के राज्य के अंदर पहला मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केवल गरीबों के कल्याण के लिए उनका लक्ष्य है, ये इसीलिए लगे संरक्षण देते हैं। ऐसे लोगों को भी कानून के दायरे में लेना चाहिए। ये जो बिल पास हुआ है यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, सबका साथ सबका विकास के हित में है और सबका विश्वास भी इसी में। इसलिए माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को अलीगढ़ के तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम जनमानस के तरफ से और उत्तर प्रदेश के तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी पत्रकार मित्रों का प्रदेश अध्यक्ष के नाते पहली बार अलीगढ़ आने में आना हुआ है। आप सबसे संगठन के नाते मुलाकात करना देखिए, माननीय अमित शाह जी मिशन कश्मीर यानी कश्मीर का जो आम गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, जो गांव में निवास करता है, जिसका कोई पुरुषा हाल नहीं है, माननीय अमित शाह जी ने, मोदी जी ने संकल्प लिया, उसी का 80,000 करोड़ का बजट पहली बार जाने के बाद दिया। पंचायत का चुनाव हुआ, ठीक ढंग से हुआ, एक भी क्राइम नहीं हुआ, यानी गांव खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, इस रास्ते पर माननीय अमित शाह मोदी जी चल चुके हैं। देश के अंदर कोई भी है इस समय भारतीय जनता पार्टी की संगठन चल रहा है पूरे देश के अंदर और देश के प्रधानमंत्री सब मर जाए, लेकिन मेरी कदर ही नहीं। इतना कष्ट होता है, लोगों ने समझाने 60 वर्षों धीरे धीरे एक एक काम, माननीय मोदी जी का जो विकास की योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना रहा हो, वो गरीब वर्ग उसका समझता है, शौचालय है, बरसात में कीचड़ में शौच में न जाए वही दर्द गरीब समझता है, जिसके लिए शौचालय मिला है। प्रधानमंत्री आवास जिस गरीब को मिला है वो गरीब उसका एहसास करता है, क्योंकि गांव गरीब किसान के लिए जीवन में उसके बेटी की शादी हो जाए, दूसरा उसका लक्ष्य मकान बन जाए, बड़े आदमी को छोड़कर, लेकिन एक गरीब के लिए दो काम हो गया, वो सोचता है मेरा चारों धाम हो गया। इसलिए मोदी जी ने संकल्प लिया है, योगी जी ने संकल्प लिया है कि ये सभी काम गरीबों का, और दूसरा आयुष्मान भारत 5 लाख का जो इलाज के लिए व्यवस्था किया गया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो गरीब उसका एहसास करता है। दूसरी बात,
दूसरे तरफ भी, एक तरफ गरीब की चिंता, दूसरे तरफ देश की चिंता। देश सदस्य मिलेगा, सत्यापन क्षेत्र में होगा या लखनऊ में होगा, क्योंकि पुरानी सदस्यता है कि नया सदस्य बना है, ये पूरा उसका सत्यापन होने के बाद उसको एक फॉर्म मिलेगा सक्रिय सदस्य का, फिर वह सक्रिय सदस्य भरवा जाएगा उसे, वही व्यक्ति मंडल का पदाधिकारी हो सकता है, वही जिले का पदाधिकारी, वही प्रदेश का पदाधिकारी, जो सक्रिय सदस्य के दायरे में नहीं आता है वो पदाधिकारी नहीं। ऐसा इस समय राज्य के अंदर पार्टी का अभियान चल रहा है, माने मोदी जी को आपके माध्यम से उसे विषय पहले भी रखा गया है, तीन तलाक जिस प्रकार राज्यसभा माननीय योगी जी ने जो भी बेटी की मांग फर्स्ट डे, चाहे सीबीआई जांच का हो, व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात हो, निष्पक्ष जांच हो, चाहे गनर की बात हो, माननीय योगी जी उन्नाव ही नहीं उत्तर प्रदेश के सभी पीड़ितों के साथ खड़े रहते हैं। एक भी मंत्री विधायक कोई भी गरीब का शोषण नहीं कर सकता है, केवल गरीब के लिए सरकार है, ये गुंडों के लिए सरकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और अभी कई कार्यक्रम लगे हैं।